केंद्र द्वारा लागू अध्यादेशों के खिलाफ किसान सड़कों पर उतरे तो हरियाणा के पीपली में किसानों को पुलिस के बल का सामना करना पड़ा, जिसके बाद प्रदेश भर के किसान रोष में हैं। ऐसे में किसान इन अध्यादेशों के मुद्दों को लेकर अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का मन बना चुके हैं। वहीं किसानों को अफवाहों से दूर रहने के लिए एक सलाह विधायक निर्मल चौधरी ने दी है। उन्होंने कहा 3 अध्यादेश किसानों के हित में हैं, जो खुद को किसान नेता बताते हैं, वहीं किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। अध्यादेश लागू होने के बाद किसान अपनी फसल किसी भी मंडी में जाकर बेच सकता है। जैसे एक तो सड़क का ही निर्माण करवा रहे हैं, इसके प्लानिंग है, क्या जरूरत है उसको काम पूरा करना। जो भी दिक्कतें हैं, जैसे कई जगह पानी की ट्यूबवेल की दिक्कत थी, वो सभी करा दिया गया है। रोड जो मेन रेलवे रोड खराब थी वो भी बनवा दी गई है, और थोड़ा बहुत काम बचा है वो भी हो जाएगा। कहीं नाले जिस तरह की कोई दिक्कत लोगों के सामने आ रही है वो हम पूरी तरह से दूर कर रहे हैं। एक शहर में स्ट्रीट देखिए, ये चल सब चीज़ें तो चल रही हैं, और अब ऐसा अब कुछ नहीं लग रहा मुझे कि कोई विवाद है जी। और स्ट्रीट लाइट की जहाँ तक बात है, अब ये टेंडर जो है उसका ख़त्म हो चुका है, नया टेंडर आ रहा है, तो स्ट्रीट लाइट की भी कोई समस्या है तो वो दूर हो जाएगी। उसके बारे में क्या है? ये विरोध किसानों का नहीं है, ये विरोध जो है ना राजनीतिक पार्टियां का है, जो अपनी रोटियां सेक रहे हैं, जो नहीं चाहते कि किसान आत्मनिर्भर हो, किसान को फायदा हो, ये वो लोग हैं। ये किसान हितैषी नहीं है, ये किसान विरोधी लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं। देखिए अनिल जी अपनी जगह ठीक है, वो कह रहे हैं लाठीचार्ज नहीं हुआ, लेकिन अगर लोग कह रहे हैं कि हुआ है तो धनखड़ साहब ने भी अपनी बात ठीक की है कि इस पर कमेटी गठित कर दी है, पता लग जाएगा। अब हम तो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अगर कोई कह रहा है तो उसकी भी चीज़ जो है ना पारदर्शिता सामने आ जाएगी सब लोगों के आगे। में MSP जो है वो एज इट इज़ रहेगी, किसान अपनी फसल को जो है पूरे देश में कहीं भी बेच सकता है, चाहे वो अपनी मंडी में बेचे, अपने ज़िले में बेचे या उससे बाहर भेजे। दूसरी चीज़ ये है कि किसान चाहे तो वो किसी कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, किसी भी कंपनी से वहाँ बेच सकता है, या जो है वो खुद एक समूह बना के किसान अगर चाहते हैं अपनी फसल को बेचना तो वो इस तरह से भी बेच सकते हैं। किसान अब पूरी तरह से आज़ाद है, जहाँ किसान को लगे कि मेरी फसल वहाँ बेचकर मुझे फ़ायदा मिलेगा, किसान वहीं जा सकता है जी। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।